कटवाते कटवाते इधर गया, गेम चालू है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से कनाडा ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग में स्टार्ट कर रहे हैं सुबह के 7 बजे, क्योंकि आज हमारा कोचिंग का टाइम है। चलते हैं कोचिंग और मिलते हैं फिर कोचिंग के आने के बाद। बारिश हो रहा है, चलना पड़ेगा घर जल्दी, तो चलते नहीं तो भीग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कोचिंग की छुट्टी होते ही बारिश स्टार्ट, ऐसे ज़्यादा दूर जाना नहीं है, फिर भी भीग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, और फोन में पानी चला गया तो होते रह जाएगा। मिलते हैं घर जाके। अभी कोचिंग से आने के बाद हम लोग आराम बैठल हैं, जाना है बाल कटवाने, जाएंगे थोड़ा सा, मौसम थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सुहाना हो चुका है, बारिश इसलिए थोड़ा सा चलेंगे, बारिश छूटेगा तो हम जाएंगे बाल कटवाने। आज बाल कटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चलते हैं बाल कटवाने। मिलते हैं आगे। बाल कटाने का बात हो जाएगा ख़त्म, बाद में जाएंगे बाल कटवाने। अभी मिला हम लोग को इतना सारा पैसा और खर्च करना है इसको 5 मिनट में, तो हम लोग बताइए जरा हम लोग क्या करेंगे, इसको बांटेंगे क्या करेंगे? बांटने का नहीं है, इसको खर्च करना है, बताइए ना। चलिए 50-50, तो मतलब आप ले लीजिए 2000, हम रख लेते हैं बाकी 7000। तो मिलते हैं अभी बंटवारा करने के बाद, नहीं तो लड़ाई हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा ना। तो अभी चलते हैं बाल कटवाने, बहुत टाइम हो चुका है, सब लोग बोल रहा बाल कटवा क्या, बाल कटवा क्या, और कल हो जाना है इसलिए चलते हैं बाल कटवा क्या। कटवाते कटवाते इधर गया, गेम चालू है। कितना रुपये देखी तो ग्यारह। क्रेट टाइम, क्रेट ओपनिंग। यहाँ बाल कटवा ले कि गेम खेले, बता तो, बाल कटवा जल्दी से आ घरे जाओ। मैं यहाँ पे आगे बैठा है, उधर आइस गेम खेल रहा। हल्का छोड़ कर दोनों गोटा बाल कटवा ली है, सबसे ज़्यादा मेहनत हुआ आई जी का बाल पे, और अभी चलते हैं घर सीधा। निकाल निकाल जल्दी निकाल जल्दी निकाल अभी तो दिक्कत हो जाएगा, जल्दी चलो। किधर से चले हम लोग? ट्रेन से रेस लगाते हैं, चलो। जमीन पर वहाँ चलते, जमीने पर वहाँ चल रही है, नीचे वहाँ से चल ही गया है, घूम के कौन आएगा। आज तुम्हारा कोचिंग में चलना, घर जाके मिलते हैं। चूँकि एकदम पूरा पंडाल वंडल बढ़ाने का तैयारी हो चुका है, पूरा अंदर बांस बांस लग चुका है, देखो चरल सब। और ये अरे आयुष जी तो कैसे जी था, तो दिखाई था बलवा, दिखाई मम्मी को। पूरा काम चालू हो गया, इधर बांस बांस गिरल है, इधर पूरा होगा, पूरा में पूरा में पंडाल होगा पूरा। टकला होने में मजा आता है, तो बताओ तुमका मजा आता है नहीं? कहला छड़ ढला जाता है माथा पर। तो आयुष जी को हो जाता तो अच्छा लगता कि नहीं? आयुष जी बहुत अच्छा लगेगा।
हाँ तो अपन भी ना होना चाहिए टकला बस गलत बात। अभी नहा के हो चुके हैं रेडी और मम्मी को लेकर जाना बाजार, तो चलते हैं बाजार, मिलते हैं आगे ब्लॉग में। अभी तक इतना काम हो चुका है, तुम अब इस पर तिरपाल डलाएगा और बस कंप्लीट पंडाल। अभी हो चुका रिचार्ज खत्म, चलते रिचार्ज करवाने, बिना रिचार्ज का चल नहीं सकता कुछ उम्र, चलते जल्दी से रिचार्ज करवा। गाइस सुमित को कोई कर्जा नहीं लगा गाइस, इसका पैसा खा लेता है, वापस रिटर्न नहीं करता है, चलते इसको कोई पैसा कर्जा नहीं लगाएगा ना, हमर 500 600 का क्या दे रहा है ना, चलो दे हां जी चलेगा। तो हम जा रहे रिचार्ज करवाने, फिर मिलते हैं रिचार्ज करवा के सीधा। तो अभी हमारा पोपट हो गया था, हम गए थे रिचार्ज करवाने लेकिन रिचार्ज हुआ नहीं, तो हम इसके साथ आ गए थे थोड़ा सा टहलने इधर, कहाँ है पीछे अपना बन्हा पर, चलते हैं सीधा घर, बोलिए शाम में रिचार्ज होगा तो शाम तक थोड़ा सा वेट करते हैं और चलते हैं सीधा घर। पहले जाना था रिचार्ज करवाने लेकिन हो चुका है बारिश स्टार्ट, इधर देखिए पूरा बारिश, जोरदार बारिश चालू हो चुका है और मतलब ये पंडाल लगाने पर फायदा नहीं है, यहाँ पानी आ ही रहा है। तो हो गया मेरा लोचा, अब जब बारिश छूटेगा तो मैं जाऊँगा लेने, रिचार्ज करवाने सॉरी। और ये देखो कितना जोर से बारिश हो रहा है, हटिया ला चौकी ला सूच। चलते हैं बाजार, काम है थोड़ा सा, बाजार से आते हैं। हेलो ये बनाएगा एकदम अच्छा जाएगा। हाँ दिखा रहे थे अभी, पकड़ ले पकड़ ले। समोसा लेने आते हैं, समोसा ले लिए, अब चलते हैं सीधा घर, घर नहीं जाएंगे तो दिक्कत है। मार्केट का दो साल तो उन्हें अभी घर आ चुके हैं और अभी रिचार्ज कराना बाकी है, चलेंगे रिचार्ज कराने भी, पहले खा लेते हैं जो लाए हैं वो खा लेते हैं, खा के चलते हैं। अभी चलते हैं रिचार्ज करवाने, पूरा अंधेरा में कुछ दिख भी नहीं रहा मोबाइल के अंदर और बारिश से स्टार्ट हो जाएगा तो और कुछ नहीं दिखेगा, इसे चलते हैं रिचार्ज करवा के आते हैं। अभी आ चुके हैं शॉप पे जहाँ रिचार्ज होता है और रिचार्ज करवाते हैं और चलते हैं सीधा घर। गाड़ी स्लो ना चलाइए रंग की। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो मिलते हैं फिर कल से एक नया ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।